जीडीए के द्वारा 3 महीनों में रामगढ़ताल झील में क्रूज को उतारा जाएगा, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा रामगढ़ताल में क्रूज को लाने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि रामगढ़ताल में वोटिंग बहुत अच्छी चल रही है और भारी संख्या में लोगों को वोटिंग करने के लिए वेटिंग करना पड़ता है और वोटिंग करने के लिए क्रूज का भी व्यवस्था है। लेकिन एक बड़ा क्रूज होता है जो कि मुंबई, गोवा सहित बड़े शहरों में देखते हैं, जिसमें रेस्टोरेंट भी होता है और उसमें पार्टी करने की व्यवस्था होती है। इसी तरह के एक बड़े क्रूज को चलाने के लिए टेंडर किया गया था, जिसमें 4 लोगों ने भाग लिया है। उनसे प्राइस को लेकर बात चल रही है। प्रयास है कि अगले 3 महीनों के अंदर एक बहुत अच्छा क्रूज चलेगा जो लोगों को पसंद आएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए एक हम सभी लोगों की इच्छा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी दिए थे कि जो नौकायान पे ऑलरेडी वोटिंग बहुत अच्छी चल रही है, उसमें काफ़ी वेटिंग भी चल रही है वोटिंग करने के लिए, क्रूज वगैरह की भी व्यवस्था है। परंतु एक जो बड़ा क्रूज होता है जो कि हम मुंबई, गोवा इत्यादि बड़े बड़े जगहों पर देखते हैं, जिसमें रेस्टोरेंट भी होता है और उसमें पार्टी वर्टी की भी व्यवस्था रहती है, तो ऐसे एक बड़े क्रूज को चलाने के लिए हम लोगों ने टेंडर किया था। उस टेंडर में हमारे यहाँ 4 लोग इच्छुक लोग आए हुए भी हैं, उनसे फिर उसका प्राइस का निगोशिएशन चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये अगले 2 से 3 महीने में हमारे यहाँ बहुत सुंदर क्रूज चलेगा और लोगों को बहुत अच्छा लगेगा।